सम्मानित शिक्षक साथियों, HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि साथियों स्कूलों के निरीक्षण होंगे, शिक्षक इन 14 बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दे दें ताकि इन्हीं 14 बिंदुओं पर विद्यालयों के निरीक्षण किए जाएंगे। और यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेशिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट्स जैसा कि दीक्षा प्रोग्राम, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र संबंधी जो भी अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं विद्यालय अभिलेख रजिस्टर। पहले शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी में कक्षावार विषयवार प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु कार्य योजना का विवरण अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक डायरी में विषयवार अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त न करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रिमेडियल टीचिंग आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। तो सबसे पहला, शिक्षक डायरी हमारे लिए अनिवार्य है। दूसरा, स्टाफ उपस्थिति पंजिका। स्टाफ उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सेवक एवं रसोइयों की उपस्थिति हेतु अब अलग अलग उपस्थिति पंजिका नहीं रहेंगी, बल्कि विद्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ के लिए एक ही समेकित उपस्थित पंजिका बनाई जाएगी। तीसरा, प्रवेश पंजिका, जिसे नामांकन पंजिका भी कहते हैं। प्रवेश पंजिका में विद्यालय में नामांकित सभी छात्र छात्राओं का संपूर्ण विवरण रहेगा एवं अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने का विवरण भी इसी पंजिका में अंकित किया जाएगा। जब शिक्षक साथियों हम TC निर्गत करते हैं तो इसी प्रवेश पंजिका में ही उस TC का क्रमांक लिखा जाएगा। इसके पश्चात चौथा जो पंजिका हमें बनानी है, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय में नामांकित सभी छात्र छात्राओं की कक्षावार उपस्थिति प्रतिदिन अंकित की जाएगी। इसके पश्चात MDM पंजिका, मध्याह्न भोजन पंजिका। इस पंजिका में MDM योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लाभार्थी संख्या, मीनू, प्रयुक्त खाद्यान्न एवं पेय आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। साथियों छठा पंजिका जो हमें बनानी है, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। इस समेकित पंजिका में विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क दे जाने वाली समस्त सामग्री जैसे पाठ पुस्तक, यूनिफार्म, जूता मोजा एवं स्वेटर आदि के वितरण का विवरण अंकित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, स्टॉक पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं एवं पंजिकाओं का विवरण अंकित किया जाएगा। आठवीं पंजिका, आय व्यय पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं होने वाले व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। चेक इशू पंजिका, बजटवार। इस पंजिका में SMC तथा MDM खातों का निर्गत, चेकों का दिनांकवार विवरण अंकित किया जाएगा। बैठक पंजिका। इस समेकित पंजिका में विद्यालय प्रबंध समिति बैठक, अध्यापक अभिभावक बैठक समिति, माँ समूह बैठक, मीना मंच गठन, बाल संवाद गठन और रसोईया चयन आदि की कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाएगा। ये बैठक पंजिका होगी साथियों। निरीक्षण पंजिका में, इस पंजिका में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करने पर उनके द्वारा निरीक्षण टिप्पणी अंकित की जाएगी। जिन्होंने ऑब्जर्व किया विद्यालय में, वह निरीक्षण पंजिका में दर्ज किया जाएगा।
12वें नंबर का जो पत्र व्यवहार पंजिका बनाई जाएगी, इस व्यवहार पंजिका में विद्यालय से संबंधित निर्गत तथा आगम पत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की स्थानांतरण, पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति आदि का विवरण भी अंकित किया जाएगा। 13वां रजिस्टर जो आपका बनेगा, बाल गणना पंजिका। इस पंजिका में 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का विवरण अंकित किया जाएगा। और जो अंतिम पंजिका रहेगी, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। इस पंजिका में पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की संख्या, विवरण, प्रकाशन आदि एवं स्पोर्ट्स के अंतर्गत खेलकूद सामग्री का विवरण भी अंकित किया जाएगा। तो शिक्षक साथियों, इन 14 महत्वपूर्ण पंजिकाओं पर और या रजिस्टरों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं पंजिकाओं के आधार पर जो भी हमारे बेस शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, तो शिक्षकों को इन रजिस्टरों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो शिक्षक साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन दबा करके लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।